सभी को सादर प्रभु स्मरण। मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है। वाणी से हम बोलते हैं तो हमारे संस्कार, हमारे जीवन की गंभीरता सब वाणी से प्रकट होती है। किसी उर्दू के शायर ने कहा कि आदमी पहचानने की एक यह भी निशानी है, गुफ्तगू बता देती है कि कौन खानदानी है। किसी के खानदान की पहचान उसकी वाणी से हो जाती है। शब्दों से बेहतरीन परवरिश और आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। शब्दों के माध्यम से बिना हथियार उठाए क्रांति की जा सकती है और बिना परिश्रम किए शांति भी वाणी और शब्दों से की जा सकती है। जिन्होंने शब्दों को संभाला वो शासन कर रहे हैं, और जिन्होंने शब्दों की महिमा और कीमत को नहीं समझा वो भिक्षा मांग रहे हैं। शब्द संभाले बोलिए, शब्द हाथ नहीं पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, पानी वाणी ईधणी, दूध इतना लीजिए छान। वाणी को छान करके बोलो। वाणी को छानने के लिए डबल फिल्टर प्रयोग में करो, पहला सत्य और दूसरा मृदुता, मधुरता। मिठास और सत्यता दोनों के फिल्टर से जब छान करके हम वाणी को बोलते हैं तब वो वाणी ग्राह्य होती है। केवल कानों तक ही नहीं, सामने वाले के हृदय तक भी पहुंचती है। शब्दों को संभाल करके बोलिए। शब्दों में स्वाद भी होता है, किस समय कौन सा शब्द बोलना है यदि है ये हम विचार करना जानते हैं तो हमारे से बेहतरीन कोई रसोईया नहीं है। और शब्दों को दूसरों को परोसने से पूर्व खुद चख लेना चाहिए। यदि खुद को अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, तो दूसरों को मत परोसिए। उतना ही बोलो जुबान से जितना सुन सको कान से। कानों से सुनने की क्षमता रखते हो उतना ही वाणी से बोलिए, जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भगवान ने हमें कान दो दिए, आंखें दो दी, हाथ दो दिए, नासिका छिद्र दो दिए, लेकिन मुख एक दिया है। यानी सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, काम ज्यादा करो, लेकिन बोलो आधा। यही जीवन का मूल मंत्र है, इसे अपनाएं। धन्यवाद।